दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे को इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और असली में असली वाले अमीर बन सकते हैं। असली वाले अमीर का मतलब सिर्फ शॉफ वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अपनी एसेट्स बिल्ड करता जा रहा है, परमानेंट रिच। इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए हम इन्वेस्टिंग पर लिखी गई आज तक की बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि अगर पैसे के बारे में डिस्कस करना है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस बुक में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। आसानी से समझने के लिए हमने इस बुक को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन में बांटकर बताया है, जिसमें आप सीखेंगे एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना, मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं, सफल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है, एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बीच क्या डिफरेंस है, अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी जरूरत है, अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में चले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप वो देख सकें जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें पढ़ें, सेमिनार से नॉलेज हासिल करें और अपनी अकाउंटेंट और ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन होता जाएगा। इसके लिए आपको इन 5 किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड। अब पैसे की फाउंडेशन को बिल्ड करें। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस को पाने के लिए जरूरी एजुकेशन लें, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे जरूरी चीज है जिससे आपको अपने अल्टीमेट गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शन लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। अब हम चॉइस के बारे में जानेंगे। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइसेस होती हैं। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना और तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट वाले लोग सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ रिस्क ना हो, या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसलिए सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि आपकी चॉइस के बेस पर ही आपके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। अब ये सोचें कि आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसे वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसे वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया के लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। अब ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसे लगाना है जो हमारी लाइफ को और ज्यादा आसान और समृद्ध बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी अपनी फैमिली को अच्छी परवरिश देने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। अब ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट एसेट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक ले जाने के लिए हेल्प करेगी। चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान बनाना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उससे फायदा ना हो रहा हो। और जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ज्यादा हो, वहाँ प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में चेंज करना, दोनों एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम रिच प्लान और पुअर प्लान के बारे में जानते हैं। प्लानिंग 2 तरह की होती है, एक अमीर बनने की और दूसरी गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं। अमीर या गरीब,
रिच प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना, अमीर बनने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल लाइफ के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना। पुअर प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देना और अपने फाइनेंशियल वोकैबुलरी पर ध्यान ना देना। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। अब सही प्लान कैसे चूज करें? तीन तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिलें ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सके। रिच वोकैबुलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचें। अब ये डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल और तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तीनों प्लान बनाने चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको आपकी प्लानिंग का फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कंफर्टेबल लाइफ के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपकी पर्सनल खर्चों से ज्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। अब हमें ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे रिस्की नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को तीन रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता, जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं कम नॉलेज होने के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना। अब ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ के रिस्क को कैसे कम करें। जब हम जॉब करते हैं या किसी बिजनेस को करते हैं तो हमारी फैमिली पूरी तरह से हम पे डिपेंड होती है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस, और इसके लिए आप मैक्स लाइफ के टर्म इंश्योरेंस को कंसीडर कर सकते हैं, जहां आपको 1 करोड़ का कवर सिर्फ मंथली 700 रुपए और 2 करोड़ का कवर 1100 रुपए के आसपास मिल जाता है। और अगर आप इसके साथ एडिशनल राइडर्स भी लेते हैं तो आपको लाइफ कवर के साथ साथ मिलता है कवर अगेंस्ट 64 इलनेस, एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी कवर और वेवियर ऑफ प्रीमियम। सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ साथ हाउसवाइफ को भी टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, वो भी बिना अपने हस्बैंड का इनकम प्रूफ दिखाए। मैक्स लाइफ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म प्लान भी ले सकते हैं, जहां आपको कुछ ना होने पर आपके सारे पेड प्रीमियम वापस मिल जाते हैं विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक और चीज जिसका सबको डर होता है वो है, क्या सच में कुछ इमरजेंसी आने पर मेरी फैमिली को इसका फायदा मिलेगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों से मैक्स लाइफ का सेटलमेंट क्लेम रेशो 99% रहा है, और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 99.51% का है। तो अगर आपने अब तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने मैक्स लाइफ टर्म प्लान का लिंक दे दिया है, उसे चेकआउट करें और अपना प्रीमियम कैलकुलेट करें और आज ही टर्म इंश्योरेंस लें। अब हम इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली इनकम कमाने के तीन तरीके होते हैं, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें। जॉब के बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा करते इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेफ रहे। एसेट और लायबिलिटी को समझें। एसेट का मतलब वो खर्च है जो आपकी जेब में पैसा लाए, और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसे निकाले। प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। अब अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी, इसलिए ये पॉइंट इस बुक में बार बार बताया गया है। अब अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाएं। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये दो बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है, अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जांपल के लिए आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर आप एक अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं, मान लें उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपए है और मंथली रेंट 10000 रुपए आ रहा है, तो इससे होने वाली 8000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये सेट होगी, या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। अब हम गलतियों के मैजिक के बारे में समझते हैं। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं।
गलती ना करना ऑथर के पुअर डेट की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे, मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसे खोना नहीं चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट अमीर लोगों की वोकैबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड्स को ट्राई करते रहते थे, छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। अब हम अमीर बनने की कीमत के बारे में जानेंगे। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसे कमाना मुश्किल है तो उसके लिए ये झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, ये बात उसके लिए भी सच है क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके इन तीन ईज को हासिल करें, पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई एक्सपीरियंस और तीसरा ही एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहें। अब हम 90-10 पजल के बारे में जानेंगे। यहाँ उत्तर उन 10% इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसे कमाते हैं वो ज्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं, वो अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका IPO इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ही 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर और एसेट में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन पहले खुद की कंपनी और एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन इस तरह के एसेट में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। अब हम 90-10 पजल को सॉल्व करेंगे। अगर आप 90-10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब पर पहुंच गए होंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इन्वेस्टर के टाइप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के इन्वेस्टर टाइप और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इनकम पर सेल्फ कंट्रोल, एक्सपेंस पर कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर्स। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1,00,000 से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करें, इसे आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। म्यूचुअल इन्वेस्टर, इसके पास 3 E's होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। इनसाइडर इन्वेस्टर, ये कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजन पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इनसाइडर इन्वेस्टमेंट का टारगेट बनाना चाहिए। फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2,00,000 एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 E's के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। ये ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। अब हम क्वालिफाइड इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, उसी को क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहते हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीजों पर कंट्रोल होता है, अपने आप पर, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी पर, खरीदने और बेचने पर। इनमें 3 E's इस तरह से होते हैं, एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस कम होता है, एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम होती है। अब हम म्यूचुअल इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा लेवल होता है। अगर कोई यहाँ है तो अप डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इसी लेवल पर होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर। इनसाइडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन पर कंट्रोल रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनके अपने बिजनेस में मालिक के रूप में बिजनेस पर कंट्रोल होता है या ये दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर के पास 3 E's भी मौजूद होते हैं।
फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर वो होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना अवेलेबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जैसे बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनी को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही इनके पास 3 E's होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे अमीर कैसे बनना है। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करें, उसके बाद उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट बनाएं ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए गए फाइनेंशियल गोल हासिल करके अमीर ना बन जाए, जैसे कि एक घर लेना, उसे रेंट पर देना, उस रेंट के पैसे को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी रेंट कमाना और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच जाते। अब हम जॉब करते हुए अमीर बनने के तरीके के बारे में जानेंगे। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। जरूरी स्किल्स और लॉ सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल्स और लॉ सीखने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टैक्स लॉस, कॉर्पोरेट लॉस। यहाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। अब हम एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर के बारे में बात करेंगे। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और इसे आप इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसे बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करें। स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हुए आपको अपने 3 E's में इम्प्रूव करना चाहिए और कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। अब हम बिजनेस शुरू करने के तरीके के बारे में जानेंगे। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं ज्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए। इसके लिए आप कोई बिजनेस बिल्ड करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उसे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। इसे बेचने के लिए आप बिजनेस बिल्ड करके उसे बेच दें और उससे मिले पैसों से आप ज्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट कर सकें। बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाएं, उसके लिए IPO इशू करें ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इनमें से कोई रीजन चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी। अब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे बॉडी में खून की जरूरत होती है, उसी तरह बिजनेस में कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। कैश फ्लो उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन से आप बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते और यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस बंद हो जाते हैं। डेली कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये सब शामिल होते हैं, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, और इंटरनल कम्युनिकेशन में ये शामिल है अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करना, एम्प्लॉयज के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। सिस्टम मैनेजमेंट, आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये सब शामिल होना चाहिए। डेली ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंटरी सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम, अकाउंट्स पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लीगल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आपको अपने जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ फील्ड्स में आपको अपने लॉ पर्सन से डिस्कशन करके मदद लेनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट लॉस, कंज्यूमर लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, शेयर होल्डर लॉस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है, BI ट्रायंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते रहें। इसी के साथ BI ट्रायंगल में एक आपका बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उसे ठीक से चलाने की भी जरूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बना लें, लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग की बुक समरी। इसके साथ साथ आप टर्म इंश्योरेंस के लिए मैक्स लाइफ को कंसीडर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्क्रीन पर है आपकी अगली बुक समरी, जहां मैंने पैसों को लेकर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और आपको 50 स्टेप्स दिए हैं जिससे आप पैसे कमाने के साथ साथ अपने पैसे बचा भी सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।